पहले वनडे मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बता दें कि वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए खबर मिलने तक 30 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन बना लिए हैं। वेस्टइंडीज के विकेट थोड़ी देर के अंतराल पर गिर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हिटमायर भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहे हैं। हेटमेयर ने दबाव के बावजूद सिर्फ 41 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वनडे क्रिकेट में उनकी दूसरी 50 रही और उन्होंने इसके लिए 121.95 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। हेटमायर ने 50 बनाने के लिए 2 चौके और 4 छक्के भी जड़े। अपना पहला मैच खेल रहे चंद्रपाल हेमराज केवल 9 रन बनाकर मोहम्मद शमी के हाथों पवेलियन चले गए। कायरन पावेल 51 रन बनाकर वनडे क्रिकेट में अपना 9वां अर्धशतक जमा कर आउट हो गए। पावेल खलील की गेंद पर शिखर धवन के हाथों कैच आउट हुए। 3 ही गेंद के बाद अपना 200वां वनडे मैच खेल रहे मार्लन सैमुअल्स बिना खाता खोले LVW आउट हो गए। सैमुअल्स को चहल ने आउट किया। इसके बाद मोहम्मद शमी ने साई होप को धोनी के हाथों कैच आउट करवा अपनी टीम को चौथी सफलता दिलाई। तो वहीं जडेजा ने रोमेन पावेल को 22 रन पर बोल्ड कर भारत को 5वीं सफलता दिला दी और इस तरह से 200 के भीतर ही वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन की ओर रुखसत हो गई। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।